हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजा खान व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को मुगल बादशाह अकबर का मकबरा दिखाने वाला हूं और इससे जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स को बताने वाला हूं, जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में एंड तक बने रहें। बादशाह अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के सिकंदरा इलाके में आपको देखने को मिलेगा। अकबर ने इस जगह पर अपना मकबरा बनाने का फैसला इसीलिए करा था ताकि फ्यूचर में उनके फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार का जब भी डेथ हो उन्हें इसी जगह पर दफनाया जा सके, उनकी कब्रें यहीं बने। पर ऐसा नहीं हो पाया। अकबर के बाद जितने भी बादशाह बने उनकी और उनके फैमिली मेंबर्स की कब्रें वहीं बनती चली गईं जहाँ वो लोग रहते थे। मकबरे के बिल्डिंग के बाहर आपको दो एंट्रेंस गेट्स दिखेंगे, एक बड़ा गेट और उसके आगे एक छोटा गेट आपको दिखेगा। ये जो छोटा गेट है इसे सलामी दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे की दो खास बातें हैं। पहला ये कि इसे छोटा और मकबरे की बिल्डिंग के बाहर इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी लोग अंदर जाएं वो अपना सर झुकाकर अंदर जाएं। इसकी दूसरी खास बात ये है कि इस गेट से बिल्कुल स्ट्रेट आधा किलोमीटर अंदर अकबर की कब्र है, जहाँ से अंदर आने वाला हर एक इंसान दिखाई देता है, पर इस गेट से अंदर देखने पर कब्र दिखाई नहीं देती है। बादशाह अकबर ने 1582 में एक अलग रिलीजन को इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम दीन ए इलाही था। इस धर्म के अकॉर्डिंग बादशाह अकबर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी सारे धर्मों को एक करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ प्यार और एकता बनी रहे। तो ये जो सामने आपको खूबसूरत और विशाल दरवाज़ा दिख रहा है इसे दीन ए इलाही दरवाज़ा कहते हैं। इस दरवाजे को दीन ए इलाही धर्म के सिंबल के तौर से बनाया गया था। जिस तरह से दीन ए इलाही धर्म में अलग अलग धर्मों को मिलाया गया है, बिल्कुल वैसे ही इस गेट पर अलग अलग धर्मों के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे इस गेट में लगी 172 फीट की मीनारें जो कि मुस्लिम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग है, इसमें लगी छतरियाँ राजपूताना हिंदू आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग है, इसमें बनी रेलिंग्स क्रिश्चियंस के क्रॉस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हैं। इसके अलावा इस गेट के वॉल्स पर अलग अलग रिलीजन के सिंबल्स बने हुए दिखाई देंगे। जैसे वॉल्स के नीचे वाले पार्ट में स्टार्स और कुरान शरीफ की आयतें मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग है, और वॉल्स पर आपको कई जगह फूल बने हुए दिखेंगे जो कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है। आप देखेंगे इस गेट में जहाँ से लोग अंदर या बाहर जाते हैं उसके जस्ट ऊपर में कमल का फूल बनाया गया है जो कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है। इस दीन ए इलाही दरवाजे को हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वक्त इस गेट से प्रेरणा ली गई थी। आप देखेंगे ताजमहल का फ्रंट पार्ट और इस गेट का फ्रंट पार्ट काफ़ी हद तक एक जैसा है, एक तरह का डिज़ाइन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ताजमहल को बनाने में सिर्फ वाइट मार्बल को यूज़ करा गया है, पर इस दीन ए इलाही गेट को रेड सैंड स्टोन और वाइट मार्बल से बनाया गया है। तो दोनों इमारतों की बेसिक स्ट्रक्चर और टेक्निक एक जैसी है। जो इस गेट को बनाने में इस्तेमाल करी गई थी वही बाद में ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल करी गई। इस गेट के नींव में सालवुड और रेड वुड को डाला गया था ताकि इसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जा सके। जिस तरह के मीनारें इस गेट में बने हैं बिल्कुल वैसे ही मीनारें ताजमहल में आपको देखने को मिलेंगी। इन मीनारों की खास बात ये है कि ये देखने में तो स्ट्रेट लगती हैं पर ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अगर कभी भूकंप या जलजला आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे, अंदर की तरफ ना गिरे, ताकि मेन इमारत को नुकसान ना पहुंच पाए। इस मकबरे को बनाने की प्लानिंग अकबर ने खुद ही करी थी और इसके लिए इन्होंने इस जगह को खुद ही चुना था। इस मकबरे की खास बात यह है कि इसे बनाने का काम अकबर के जीते जी 1602 में स्टार्ट कर दिया गया था, और 1605 में अकबर के मरने के बाद उनके बेटे जहांगीर ने इसे 1612 तक कंप्लीट करा दिया था। यहां अंदर आने के बाद गेट के दोनों फ्लोर्स पर आपको रूम्स बने हुए दिखाई देंगे। उस टाइम में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इसी जगह से मैनेज करे जाते थे। ये उस टाइम में ऑफिस हुआ करता था, और आज भी आपको नीचे वाले रूम्स में एएसआई के ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। इस गेट के लेफ्ट और राइट साइड में आपको घोड़ों के अस्तबल बने हुए दिखेंगे।
इस कैंपस के अंदर आपको कई कुएं भी दिखेंगे, जैसे ये वाला कुआं सिर्फ मुगल फैमिलीज के लोग ही यूज कर सकते थे। और आपको कुछ दूरी पर दूसरा कुआं दिखेगा जो कि मंत्री और ऑफिशियल स्टाफ यूज करते थे। और यहाँ पर एक तीसरा कुआं दिखेगा, ये वाला ये सिर्फ सैनिकों के द्वारा ही इस्तेमाल करा जाता था। अकबर के मकबरे का ये पूरा कैंपस 150 एकड़ में है। ये सामने वाली इमारत इस पूरे कैंपस की मेन इमारत है, जिसके अंदर बादशाह अकबर की कब्र है। इस मकबरे की बिल्डिंग के चारों साइड 25-25 एकड़ में चार बगीचे बने हुए हैं, यानी 100 एकड़ में बगीचे हैं और 50 एकड़ में ये बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं, इस वजह से इसे पंच महल कहा जाता है। इस इमारत की खास बात यह है कि ये चारों साइड से देखने में एक जैसी दिखती है। इस बिल्डिंग के चारों साइड बराबरी की दूरी पर 4 दरवाजे बनाए गए थे, पर अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ दीन ए इलाही दरवाजे का ही इस्तेमाल करा जाता था। बाकी के 3 गेट डमी हैं, वो इस्तेमाल में कभी नहीं लाए गए। इस मकबरे की बिल्डिंग में जहां तक रेड सैंड स्टोन लगे हुए दिख रहे हैं, वहां तक अकबर ने अपने जीते जी 1602 में बनवाया था। 1602 से 1605 तक अकबर ने इस इमारत को बनवाया था, पर इस इमारत का चौथा फ्लोर कंप्लीट होते ही अकबर की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से इलाज के दौरान आगरा फोर्ट में डेथ हो गई थी। बादशाह अकबर की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी डेथ कहीं भी हो, उन्हें इसी जगह पर दफनाया जाए, इसी वजह से उन्हें यहाँ दफनाया गया था। इस मकबरे की इमारत की आखिरी मंजिल मार्बल वर्क और बचे हुए सारे काम अकबर के मरने के बाद उनके बेटे जहांगीर ने 1612 तक पूरा कराया था। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम में इस मकबरे को बनाने के लिए 15,000 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी और इसे बनाने का खर्च करीब 15,00,000 रुपयों का आया था। जिस तरह से दीन ए इलाही दरवाजे पर अलग अलग धर्मों के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, उसी तरह से इस मकबरे के इमारत में भी आपको अलग अलग धर्मों के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। इसकी बीच वाली खुली हुई 3 मंजिलें जो देख रही हैं, वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। इसमें लगी छतरियां हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। आप देखेंगे एक मीनार से दूसरे मीनार तक जो क्रॉस बना हुआ दिख रहा है, वो क्रिश्चियन डिजाइन है। ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी मेहराब शेप वाले दरवाजे दिख रहे हैं, वो मुस्लिम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। सबसे ऊपर वाला मार्बल से बना हुआ टॉप फ्लोर जैन धर्म के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस तरह से इस पूरी इमारत को कई सारे धर्मों के आर्किटेक्चर और डिजाइन को मिलाकर बनाया गया है, ना कि किसी एक धर्म के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया था। इस मकबरे का सबसे टॉप फ्लोर जिसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, उसे चंद्र महल कहा जाता है, यानी कि मून पैलेस, क्योंकि ये चांद की रोशनी में बहुत चमकती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके नीचे के 3 फ्लोर्स को हवा महल यानी के विंड पैलेस कहा जाता है, क्योंकि ये 3 फ्लोर्स हर साइड से खुला हुआ है और जब हवा चलती है तो हर साइड से हवा अंदर आती है। बादशाह अकबर की ये ख्वाहिश थी कि उसे इस जगह पर अकेले दफन नहीं रहने देने, बल्कि फ्यूचर में उनके फैमिली के लोगों की जैसे जैसे डेथ होती जाए, उन्हें भी इसी जगह पर दफनाया जाए। अकबर के इसी ख्वाहिश के हिसाब से इस मकबरे की इमारत को बनाया गया है। आप देखेंगे इस इमारत के बीच में वो कमरा है जहाँ अकबर की कब्र है, और फैमिली के बाकी लोगों के लिए इसके चारों साइड कई कमरे बनाए गए थे, ताकि उन्हें भी इसी जगह पर दफन करा जा सके। लेकिन अकबर के मरने के बाद उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अकबर के बाद इस जगह पर कोई बादशाह दफन नहीं हो पाए। सिर्फ उनकी फैमिली के कुछ ही मेंबर्स को यहाँ दफन करा जा सका, जिनकी कब्रें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, और उन लोगों की कब्रें सिर्फ 3 कमरों में ही मौजूद हैं। इस वाले कमरे में सबसे बड़ी वाली जो कब्र है, वो बादशाह अकबर की सबसे बड़ी बेटी शकरुन्निसा की है, और बाकी के जो 2 कब्र हैं, वो औरंगजेब के भाई दारा शिको के बच्चों की है। दूसरे कमरे में ये वाली कब्र औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा की है,
और बादशाह अकबर के कब्र के राइट साइड वाले कमरे में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो कब्रें देखने को मिलेंगी। जो सबसे बड़ी वाली कब्र है वो बादशाह अकबर की छोटी बेटी आरम बानो की है, और ये जो दूसरी वाली कब्र है वो जहांगीर की पहली वाइफ मान बाई के बेटे की है। और ये है इस पूरी इमारत का सबसे खास और खूबसूरत कमरा, जिसे बहिश्ता बाग कहा जाता है और इसे गोल्डन पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि मुगल के वक्त में इस कमरे की दीवारों में हर जगह गोल्ड लगे हुए थे। दीवार पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करी गई थी जिस पर सोने के प्लेट्स को फिक्स करा गया था। औरंगजेब के वक्त में जाटों के पहले सरदार राजा राम ने अपने भाई गोकुला की मौत का बदला लेने के लिए इस जगह पर हमला कर दिया था और आग लगाकर सोने को पिघलाकर आधा सोना अपने साथ ले गए थे, और बचा हुआ सोना अंग्रेजों ने चुरा लिया था और उन लोगों ने गोल्ड की जगह गोल्ड पॉलिश कर दिया था ताकि लोगों को इसका पता ना चले। ऐसा कहा जाता है कि जाटों ने इस जगह से सोने चांदी लूटने के साथ साथ बदले की आग में अकबर की कब्र को तोड़ा, उसे खोदकर अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया था। ये जो हैंगिंग लैंप आपको दिख रहे हैं, ऐसे लैंप 5 बनाए गए थे, जिसमें 2 ताजमहल में हैं, 1 फतेहपुर सिकरी में हैं और बाकी के 2 लैंप इस जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ की दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतें दिखेंगी, जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कैलीग्राफी करी गई थी। इस कमरे को हर तरह से काफ़ी खूबसूरत बनाने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वजह से ये कमरा पूरी इमारत में सबसे खूबसूरत कमरा था, और इसी वजह से इसका नाम बहिश्ता बाग रखा गया था, जिसका मतलब होता है जन्नत का बाग। इसी जगह से होकर रास्ता जाता है बादशाह अकबर की कब्र की तरफ, जहां से आपको एक गलियारा बना हुआ दिखाई देगा जो अकबर की कब्र वाले कमरे की तरफ ले जाता है, और आप इस गलियारे से होते हुए पहुंच जाएंगे बादशाह अकबर की कब्र तक, और ये सामने आपको दिखेगी अकबर की कब्र, जिसे वाइट मार्बल से बनाया गया है। इस बड़े से कमरे के अंदर आपको सिर्फ अकबर की कब्र दिखेगी, और ये है अकबर का आखिरी आरामगाह। बादशाह अकबर का पूरा नाम है बादशाह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, जो थे मुगल डायनेस्टी के सबसे ज्यादा टाइम तक हुकूमत करने वाले बादशाह, जिन्होंने करीब 49 साल तक हुकूमत करी। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अकबर का मकबरा देखकर और इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जगह। तब तक अपना खास ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।